जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के रोज़गार चले गए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जो रोज़ कमा कर खाते हैं उन लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी सरकार ने सभी जनधन खाता धारकों के अकाउंट में 500-500 रुपये भेजने शुरू कर दिए हैं। अभी फर्स्ट फेज में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जनधन खाते में पैसे आ चुके हैं। तो इस पैसे को आपके अकाउंट में आया है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आज मैं वीडियो बनाना जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को डिमांड की थी, तो उसके बाद मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, वरना मैं टेक वीडियो छोड़कर और कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, अपने मोबाइल के या पीसी के क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको कोई भी नया टैब खोलना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है PFMS। इस पे जैसे ही आप टाइप कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के साथ आपको यहाँ पे एक PFMS नो योर अकाउंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए मेन कन्फ्यूजन क्या होता है। यहाँ पे हुआ है कि आपको बैंक का नाम यहाँ पे आपको फर्स्ट में देना है। बैंक का नाम का मतलब SBI में अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पे SBI का अकाउंट देना है। और बहुत सारे लोग का है कि SBI बीकानेर एंड जयपुर में है, तो आपको पता होगा 1 अप्रैल से बहुत सारे बैंक मर्ज हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपका SBI में है तो आप SBI डाल सकते हैं, और अगर कोई अदर बैंक है तो आप अदर बैंक को डाल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अपना बैंक खोज रहे होंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि IDBI का मैं एक अकाउंट डाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप IDBI डालिएगा तो IDBI का पूरा बैंक का नाम आ जाएगा, IDBI बैंक लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड में आपको इंटर बैंक एक इंटर अकाउंट नंबर देगा, और उसके बाद इंटर कन्फर्म अकाउंट, यानी कि अकाउंट नंबर को 2 बार डालना है। तो यहाँ पे चलिए मैं एक अकाउंट नंबर आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो चलिए उसके बाद पहले नंबर में मैंने बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, उसके बाद सेकंड वाले में भी आपको बैंक अकाउंट का फिर से वही नंबर डालना है कंफर्म करने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे डबल दूसरी बार मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन आएगा, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ डालनी है जो कि इस कॉलम में लिखी हुई है। तो ये ध्यानपूर्वक डालना है, गलत नहीं होना चाहिए, वरना फिर से ये आपको डालने को बोलने लगेगा। तो चलिए ये मैं डाल लेता हूँ। तो इसमें देखिए जो कैप्चा में अभी आ रहा है उसी को डालना है जो आपके यहाँ शो करेगा। उसके बाद से आप यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे कि आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि नो रिकॉर्ड फाउंड दे रहा है, तो यानी कि आपके बैंक अकाउंट में नंबर नहीं, अमाउंट नहीं आया है। तो अगर आपका यहाँ पे अगर बैंक अकाउंट में अमाउंट आएगा तो यहाँ पे आपको शो कर देगा, और आपको किसी भी अकाउंट में अगर आएगा तो यहाँ से आप जाके अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं अपने बैंक से, या फिर अगर आपका नियरेस्ट अगर कोई ATM होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।